आज हम बात करेंगे ताजमहल या फिर तेजो महल है। मैं हूँ राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्यवर्ण भुर्जी समाज से। आपका अपने चंद्रा जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, ऑल वीडियोज पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब इस्लामिक सुल्तान हिंदू राजाओं पर हमला करते थे, उन्हें मारते थे, काटते थे और जिन भवनों को, मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया करते थे, उन भवनों में, उन मंदिरों में ये जो मुसलमान फकीर हुआ करते थे ये बस जाया करते थे और जब ये ख़त्म होते थे तब इन्हें वहीं पर दफना दिया जाता था और वहीं पर इनकी कब्र बना दी जाती थी। कब्र वो इसीलिए बनाई जाती थी ताकि के इस्लाम का वहाँ पर कब्जा बना रहे। यही कहानी कुछ तेजो महालय शिव मंदिर के साथ भी घटित हुई थी। जो ये तेजो शिवालय शिव मंदिर था, यह पहले जयसिंह के पास में था और फिर जयसिंह से मानसिंह के पास में आया था और फिर मानसिंह के पास में आकर के शाहजहां ने इसे बलपूर्वक अपने कब्जे में कर लिया और अपने कब्जे में करने के बाद जब इसकी बीवी जो मुमताज जो थी, जब वह ख़त्म हुई तब मुमताज को शिव मंदिर के अंदर दफना दिया गया और फिर इसका नामकरण संस्कार करके, इसका नाम बदल करके ताजमहल रख दिया। ये कोई ताजमहल नहीं है, इसका नाम तेजो शिवालय शिव मंदिर है। जो हमारे इतिहासकारों में पुरुषोत्तम नागेश ओक जी हुए हैं, इन्होंने सबसे पहले ये कहा था, अर्थात कि जो बाकी इतिहासकार थे उन सब इतिहासकारों में सबसे पहले ये कहने वाले पहले व्यक्ति थे कि ताजमहल कोई ताजमहल नहीं है बल्कि यह एक तेजो शिवालय शिव मंदिर है। और इन्होंने डंके की चोट पर इस बात को कहा था कि जिस इतिहासकार में हिम्मत हो, जिसने भी यह खोजबीन की हो, जिसने भी यह रिसर्च की हो कि ताजमहल को बनाने वाला कोई शाहजहां था, तो मैं उसे खुली चुनौती देता हूँ कि वो मेरे से आके शास्त्रार्थ करे और यह सिद्ध करे कि ताजमहल को बनाने वाला कोई मुगल या शाहजहां था। तब इनकी यह बात सुनकर किसी भी इतिहासकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो इनसे शास्त्रार्थ कर सके और इन्होंने अपने तर्क, तथ्यों, प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि यह जो ताजमहल है, अर्थात कि जो तेजो शिवालय शिव मंदिर है, यह कोई 17वीं सदी का बना हुआ नहीं है, यह अति प्राचीन तेजो शिवालय शिव मंदिर है। जब शाहजहां ने इस पर कब्जा किया था तो जो शिवलिंग था उसको तोड़ दिया, उसको खंडित कर दिया या फिर नीचे जमीन में दबा दिया और उसके ऊपर मुमताज की कब्र बना दी गई, तभी से इसको ताजमहल कहा जाता है, वरना इसका नाम तेजो शिवालय शिव मंदिर है। और जो पुरुषोत्तम नागेश ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका टाइटल था ताजमहल तेजो शिवालय शिव मंदिर है, आप यह देख सकते हैं, यह जो पुस्तक है इसमें स्पष्ट लिखा है कि ताजमहल तेजो शिवालय शिव मंदिर है। और पुरुषोत्तम नागेश जी ने डंके की चोट पर यह बात कही थी और यह पहले इतिहासकार थे जिन्होंने यह बात कही कि ताजमहल नहीं तेजो शिवालय शिव मंदिर है, जिसको कि ताजमहल कहा जाता है। तब किसी भी इतिहासकार की यह हिम्मत नहीं हुई जो कि इनसे आकर शास्त्रार्थ करे। अब इन्होंने क्या क्या तर्क और तथ्य और प्रमाण दिए थे ताजमहल के विषय में, इन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा है, ताजमहल नाम का उल्लेख औरंगजेब तक किसी भी तबलीखों में या दरबारी कागज में कहीं भी नहीं मिलता है, यह इन्होंने प्रमाण दिए थे। इसे ताज ई महल यानी महलों का ताज कहने का प्रयास करना हास्यास्पद है, क्योंकि यह तो इस्लामिक कब्र है
कब्र को कभी भी विश्व में कहीं भी महल नहीं कहा जाता है। यह इन्होंने प्रमाण दिए थे, अर्थात कि जहाँ पे कब्र होती है उसे या तो मकबरा कहा जाता है अर्थात, या फिर उसको कब्र कहा जाता है, लेकिन महल नहीं कहा जाता है। तीसरा इनका प्रमाण था कि इसका अंतिम पद महल इस्लामी शब्द नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक फैले विस्तृत इस्लामी प्रदेशों में महल का नाम एक इमारत नहीं है। अर्थात कि इन्होंने ये कहा था कि अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक महल नाम की कोई भी इमारत नहीं बनाई है। अर्थात कि यहाँ पर जो दावे किए जाते हैं कि मुगलों से पहले कि भारत में कुछ नहीं था, तो जहाँ पर मुसलमानों के शासन हैं, जहाँ पर मुगलों के शासन हैं, वहाँ पर इन्होंने कितने महल बनाकर खड़े कर दिए हैं। जो यहाँ पे ये दावे किए जाते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पे बनाया वो सिर्फ मुगलों ने बनाया, ये सब मुगलों की देन है, यह मुगलों की देन नहीं है, यह सिर्फ मुगलों की लूट है, जिसको कि यह जबरदस्ती स्कूल कॉलेजों में झूठा इतिहास पढ़ा पढ़ाकर हमारे मन और मस्तिष्क में यह भर दिया जाता है। जो कुछ भी महल इमारतें बनाई गई हैं वह सब मुगलों ने बनाई हैं, ऐसा हमें इतिहास झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है और बचपन से ही हमारा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। आगे पुरुषोत्तम नागेश जी ने लिखा है, सामान्य धारणा यह है कि इसमें दफनाई महला मुमताज महल के नाम अनुसार इसका नाम ताजमहल रखा गया है। यह दो दृष्टियों से असंगत है। प्रथम बात तो यह है कि शाहजहां की उस पत्नी का नाम मुमताज महल नहीं अपितु मुमताज उल जमानी था। द्वितीयात मुमताज की स्मृति में बने उस भवन को नामांकित करते समय दो आधे अक्षर मुम अर्थात जो मुमताज के जो शुरू के जो दो अक्षर थे उन्हें हटा दिया गया और फिर उसके आगे का नाम रख दिया गया। आरंभ के दो अक्षर हटाकर शेष हिस्सा इमारत का नाम बनता है। यह किसी व्याकरण का नियम नहीं है। अर्थात जो मुमताज का नाम था तो उसके शुरू के दो अक्षर मुम हटा दिए और आगे के जो अक्षर थे ताज जो रह गया, तो कि उसे बनाकर किस तरह से ताजमहल बन सकता है, यह इन्हों का एक सवाल था जिस पर कि किसी भी इतिहासकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया। और यह आगे के किसी भी औरत के आगे के नाम के दो अक्षर अगर हटा दिए जाए तो वह महल का नाम बनेगा, ऐसा किसी भी व्याकरण का नियम नहीं है। फिर भी उस महला का नाम मुमताज होने के कारण यदि उससे इमारत का नाम पड़ता है तो वह इमारत ताजमहल कहलाती है, ना कि ताजमहल। शाहजहां के समय आए हुए यूरोप के कई पर्यटकों ने इस भवन का उल्लेख ताज ए महल नाम से किया है, जो शिव मंदिर सूचित करने वाला संस्कृत का शब्द तेजो शिवालय का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। अर्थात जो संस्कृत में जो नाम है तेजो शिवालय, तो इसी का बिगड़ा हुआ नाम ताजमहल रखा गया है। स्वयं मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के दरबारी दस्तावेजों में या तत्कालीन तबरीखों में ताजमहल शब्द का उल्लेख भी नहीं है, क्योंकि तेजो शिवालय उर्फ अर्थात ताजमहल संस्कृत का शब्द है। अर्थात कि जो संस्कृत का शब्द था तेजो शिवालय, उसी को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। जो इन्होंने सातवां सवाल उठाया है वह यह है, कब्र का अर्थ विशाल इमारत नहीं अपितु केवल इमारत के अंदर स्थित मृतक के शव पर बना हुआ टीला होता है। इससे जो हमारे वीडियो देखने वाले हैं उन्हें यह ज्ञात होगा कि हुमायूं अकबर मुमताज एतमाद उल दौला सफादर जंग
आदि व्यक्तियों के शव पर कब्जा किए गए हिंदुओं के विशाल भवनों में ही दफनाए गए हैं। अर्थात जितने भी ये कब्रें बनी हुई हैं, ये या तो मंदिरों में बनी हुई हैं या फिर महलों में बनी हुई हैं। ये कब्रें इसीलिए बनाई गई हैं ताकि के इस्लाम का कब्जा रह सके। यदि ताजमहल मकबरा होता तो उसे महल नहीं कहा जाता है, क्योंकि महल में तो सजीव व्यक्ति ही रहते हैं। और ये बात सही है, यदि ताजमहल कोई कब्र होता या कोई जो मकबरा होता तो उसका नाम ताजमहल नहीं होता, क्योंकि जो महल होते हैं तो महल में तो सजीव अर्थात जिनमें जान होती है, जो व्यक्ति चलते फिरते हैं वही रहते हैं, अर्थात के मरे हुए व्यक्ति को महलों में नहीं रखा जाता है। तो इस वजह से भी ताजमहल कहना उचित नहीं होगा। अब जो आठवां जो प्रश्न इन्होंने किया था, आठवां प्रश्न यह है, चूंकि ताजमहल का उल्लेख शाहजहां तथा औरंगजेब कालीन किसी भी मुगल लेख में नहीं है, ताजमहल के निर्माण का श्रेय शाहजहां को देना उचित नहीं है। उन्होंने ताजमहल शब्द का उल्लेख जानबूझकर इसीलिए टाल दिया क्योंकि वह मूलतः तेजो शिवालय एक शिव मंदिर है जो कि संस्कृत का शब्द है और जिनका वर्णन मुसलमान कभी भी पसंद नहीं करते। तो अब आप समझ गए होंगे कि ताजमहल कोई ताजमहल नहीं है, बल्कि ताजमहल वो तेजो शिवालय मंदिर है जिसमें कि इस्लाम के आक्रांताओं ने आक्रमण करके कब्जा किया और कब्जा करने के बाद में वहाँ पर अपनी पत्नी को मुमताज को दफना दिया। उसको इसीलिए दफनाया गया था वहाँ पर ताकि इस्लाम का कब्जा यहाँ पर बना रहे। इन सारे तर्क और तथ्य और प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि ताजमहल कोई ताजमहल नहीं है, बल्कि वह एक तेजो शिवालय शिव मंदिर था जिसको कि इन इस्लामिक आक्रांताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो आज और अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल वीडियोज पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।